बात करेंगे पैराफाइमोसिस के बारे में। लोग फाइमोसिस को जानते हैं कि फोरस्किन अगर टाइट है तो उसे फाइमोसिस के नाम से जाना जाता है, लेकिन पैराफाइमोसिस लोग कम समझते हैं। सो पैराफाइमोसिस का मतलब है कि अगर फोरस्किन टाइट है तो अगर उसे फोर्सफुली विड्रॉ किया जाए तो ग्लैंड्स के पीछे आकर वो फंस जाती है और उससे फोरस्किन में बहुत सारे सूजन या एडिमा आ जाता है और उसके कारण वो वापस नहीं जा पाते। ये एक तरह से एक इमरजेंसी है, क्योंकि जल्दी ही अगर फोरस्किन वापस नहीं जाएगी तो ये स्वेलिंग बढ़ती जाएगी। इस एरिया में गैंग्रीन हो सकता है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है और इस एरिया में इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है। सो अगर किसी को ये कॉम्प्लिकेशन हो गया है, फोरस्किन पीछे आकर अटक गई है और स्वेलिंग की वजह से वापस नहीं जा रही, तो उसे इमिजिएटली अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाएं और इमरजेंसी में ही इसका प्रोसीजर करवाएं। डॉक्टर्स इसे बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। उस एरिया को पहले सुन किया जाएगा, कुछ इंजेक्शन की वजह से एनेस्थीसिया दिया जाएगा और उसके बाद जो एडिमा वाला एरिया है उसका एडिमा कम करने के लिए उसमें कुछ इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, उसमें पिन प्रिक करके उसका फ्लूइड निकाला जा सकता है। उसके बाद इसे रिड्यूस कर दिया जाता है, स्किन को खींचकर अपनी नॉर्मल जगह पे वापस ले आते हैं। इसके बाद डॉक्टर्स आपको कुछ इंटरवल देंगे, यानी कि कुछ दिन का गैप देंगे जब तक ये सारी स्वेलिंग उतर जाएगी, और उसके बाद ज़्यादातर केसेस में सर्कमसीजन एडवाइस की जाती है ताकि दोबारा से ये प्रॉब्लम ना आए। सर्कमसीजन भी आजकल स्टेपलर सर्कमसीजन से अवेलेबल है, तो अगर आप करवाना चाहें तो स्टेपलर से करवाएं ताकि इसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो, एकदम परफेक्ट सर्कल की कटिंग हो और कोई भी इसमें ब्लड लॉस ना हो। सो वी होप कि अगर आप पैराफामोसिस के बारे में परेशान हैं तो इस वीडियो से आपको प्रॉपर जानकारी मिली होगी और आप तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट करवाकर नॉर्मल लाइफ में जल्दी से वापस आएंगे। थैंक यू।